रेवाड़ी सहित प्रदेश की अनाज मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है। फसल खरीद को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था और शौचालय की साफ सफाई करवा दी गई है। किसान ग्रामीण क्षेत्रों से मंडी में पैदावार बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके खाने पीने के लिए किसान कैंटीन तथा ठहरने के लिए किसान भवन में व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश की मंडियों में 28 मार्च से एमएसपी पर सरसों की सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। अभी किसान मंडी में प्राइवेट आढ़तियों को अपनी सरसों की फसल बेच रहे हैं। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अनाज मंडी के तीनों फड़ों और मुख्य सड़कों की सफाई की जा रही है। अनाज रखने के लिए तीनों फड़ों पर टीन शेड बनाई गई है। अनाज मंडी के दोनों गेट को बड़ा और चौड़ा करवा दिया गया है। साथ ही अनाज मंडी में दुकानों के पिछले हिस्से में सड़क और ग्रीन बेल्ट पर जमा पानी को भी हटाया जा रहा है। इससे आगामी दिनों में सरसों की आवक बढ़ने से किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आवक बढ़ने पर आढ़तियों की ओर से दुकानों के पिछले हिस्से में भी सरसों डाली जाती है। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव ने बताया कि अभी सरसों की प्राइवेट खरीद की जा रही है। खरीद एजेंसियों द्वारा सरकारी खरीद एमएसपी 5600 रुपए प्रति क्विंटल पर 28 मार्च से शुरू हो जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान फसल कटाई में जल्दबाजी ना करें। किसानों को फसल को अच्छी तरह से पकने दें, उसके बाद कटाई कर अच्छी तरह सुखा कर मंडी में बेचने के लिए आएं ताकि नमी कम हो और भाव सही मिल सके। उन्होंने बताया कि सरसों में अभी 25% तक नमी आ रही है। अनाज मंडी में आ रही सरसों को किसानों व व्यापारियों की ओर से फड़ पर सुखाया जा रहा है। अनाज मंडी में अब तक 10,000 कट्टे सरसों आ चुकी है। सरसों में नमी होने के कारण किसानों को अभी 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिल रहे हैं। सरसों के प्रति क्विंटल 500-600 रुपए कम मिल रहे हैं। पिछले सीजन में रेवाड़ी, कोसली और बावल के अनाज मंडियों में करीब 5.5 लाख क्विंटल से अधिक सरसों की सरकारी व प्राइवेट खरीद की गई थी। आपको बता दें कि जिले में इस सीजन में करीब 75,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई थी। मंडी में फसल बेचने के लिए पहुंचे गांव शादीपुर के किसान लक्ष्मी नारायण ने बताया कि सरसों लेकर आया लेकिन वह रेट नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। पैसों की जरूरत थी इसलिए अपनी सरसों प्राइवेट बेच रहे हैं। प्राइवेट रेट कम मिल रहा है। आरती अंजुल गुप्ता और अतुल गुप्ता आदि ने बताया कि इस बार सरसों की काफी अच्छी पैदावार है। किसान मंडी में अपनी उपज लेकर आने शुरू हो गए हैं और प्राइवेट अपना माल बेच रहे हैं। खबरनामा रहने के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। मेरी किसानों से, सभी आढ़तियों से और पत्रकार महोदय से है कि वो किसानों तक सूचना पहुंचाए कि भी वो अपने जो कटाई है वो उसमें कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि किसान मैंने देखा है कि अभी कच्ची सरसों की कटाई में लगे हुए हैं, तो उनका भी खैर डर स्वाभाविक है कि मौसम को देखते हुए उनको भी चिंता है। लेकिन मेरी किसानों से अपील है कि वो जल्दबाजी ना करें, साफ़ सुथरा और नमी ना हो उसमें सरसों में, अपना सुखा के लाएं और उनको सभी को, किसानों को, आढ़तियों को, सभी को शुभकामनाएँ। नहीं, जो एमएसपी का रेट है सरकार ने जो निर्धारित किया है उस पर ही सरसों बिकेगी। बाकी अगर कोई फार्मर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्राइवेट में बेच सकता है, या कोई फार्मर नहीं बेचना चाहता, उसमें वेट नहीं करना चाहता, तो वो अपना प्राइवेट में भी बेच सकता है। हाँ, उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसकी डेट अभी तो है नहीं, निकल गई, 15 मार्च तक की डेट थी, तो इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कट्टों की रोज़ की अराइवल है, जिला सीधा माल आ रहा है, तो लैब से सरसों की यहाँ परचेज हो रही है। 4800 से लेके 5200 रुपये तक के भाव हैं। सरकार ने कमिटमेंट दी है कि 28 मार्च से ही हम सरसों की परचेज मंडी के अंदर कर दें। रेट तो काफ़ी अच्छा है जी, 5600 रुपये रेट है इस टाइम। भाई किसान को जरूरत है इसलिए सरसों ला रहा है, लेकिन सरसों काफ़ी मंदी बिक रही है गवर्नमेंट रेट से, अप्रॉक्सीमेट 500 से 600 रुपये मंडी। जो मॉइस्चर वाली सरसों हैं उस सरसों का तो ऐसा है जी, फिलहाल तो उस पोजीशन में ना तो सरकार लेगी ना कोई प्राइवेट आदमी ले रहे हैं, तो उसके तो नाजायज भाव लगाए जा रहे हैं 4500 से 4600 रुपये। तो किसान को यही चाहिए कि वो अपनी सरसों को सुखा के साफ़ सुथरी करके बढ़िया करके लाए, जिससे कि उसको पूरे दाम मिले। सरसों में तेज़ी तो लगती नहीं जी, और इससे कोई इलेक्शन से इस बात का कोई भी वो नहीं है। पिछला भी माल काफ़ी बचा हुआ है किसानों के पास भी, व्यापारी के पास भी। सरकार ने भी अपनी पिछली सरसों अभी तक सेल आउट नहीं की है,
तो तेजी के आसार तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। बाकी आगे देखो, जो ये अगेती सरसों है इसमें नुकसान भी है, झड़प भी कम आ रही है, किसानों को भी लॉस है, अप्रोक्सीमेट 10,000 से 12,000 कट्टे 5-6,000 क्विंटल सरसों लिया है। नहीं, फार्मर को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है, मंडी में हर तरीके की सुविधा दी हुई है, सेक्रेटरी साहब ने भी, आड़तियों ने भी, कोई ऐसी बात नहीं। और अभी कोई ज़्यादा अराइवल भी नहीं हुई है कि जिसको कि ना संभाला जाए या आउट ऑफ कंट्रोल काम हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। सर, एक गाँव शादीपुर है लक्ष्मीनारायण राम में, और सरसों जो झड़प में हड़की झड़ी है, नुकसान भी है, काटा की मार भी है, 1-1.5 महीने सर्दी पड़ी थी, इससे काफ़ी नुकसान है और झड़प भी कम आ रही है इसमें इस साल। ये जी खर्चा पानी मजदूर जाए, कटाई उटाई पैसा देना, जो सरकार को अभी लेट खरीदेगी तो खर्चा इसलिए देना पड़ता है, लेबर जाती है उसका काम है। हाँ जी सर, प्राइवेट मेरी जी 49-70 वीक है, इसलिए नमी कम है और कहना सकता ये पढ़ाई वाली कम आ रही है इसकी। हाँ जी, हो गया ठीक है। सुविधा तो जी के सेट है, और चाहे पानी पी लो, और की सुविधा है बस यही है, कोई सुविधा नहीं मार्केट कमेटी से। ठीक, इसमें 7 मोस्टर था, अभी तो सूखा माल आया नहीं, गिल्ला है थोड़ा सा, इस वजह से मंदी भी करी है। 28 तारीख शुरू होता हो अभी, देखो कब से कर रहे हैं, और सरकार जाना